पहले बहुत शुक्रिया स्कूल की प्रिंसिपल का, उन्होंने आज ये मौका दिया कि हम स्टूडेंट से बात करें। 2013 का मुझे वो दिन याद आया जब सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, जो सिर्फ खाना खिलाने के नाम से बहुत मशहूर है, उसने आई टी पढ़ाना शुरू किया था। मेरी एक तस्वीर इस तरह दी है कि मैंने माइक पकड़ा हुआ है और मैं एक एम पी डस्ट में शिफ्ट बैठा हुआ। 2013 का इवेंट, 2013 का, और उस वक्त पहली दफ़ा जब उन्होंने आई टी पढ़ाना शुरू किया था तो लोग सोचते थे कि यार ये सवाल मैं इसकी सारी बातें कर रहा हूँ क्योंकि सीरीज है आपके जहनों में कि सैलानी क्या करने जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। पहली दफ़ा जब आई टी पढ़ाई के लिए लोग कहते थे कि यार क्यों पढ़ा रहे हो भाई, तो खाना खाने वाले जा रहे हैं, तुम कैसे पता है कि आई टी पढ़ा दी जाती है। उस वक्त पहले एंट्री टेस्ट के अंदर बहुत मुश्किल से अराउंड 500 ने शिरकत की थी क्योंकि किसी को नहीं पता कि सैलानी क्या कर रहा है। 2013 से फ्लैशबैक 2022, 2022 20 फरवरी नेशनल स्टेडियम कराची में, इस वक्त अब आई टी टेस्ट के अंदर में आखिरी उसमें 25,000 बच्चों ने अप्लाई किया था हमारी 4,000 सीट्स के लिए, तो ये सैलानी कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि 25,000 बच्चों ने क्यों अप्लाई किया था, मैं बहुत आसान सी उर्दू में बातें करूंगा कि हम हर बंदा समझ सके कि हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे कीमती चीज जो हमारे मेरे दोस्त मुजफ्फर हसन साहब ने कही वो ये यूथ है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट है, इनको पॉलिश करना है। मैं तैयार करने की बात भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इनको सिर्फ पॉलिश करना है। और ये हमारे विषय है, मैं इसके बारे में बात बात करता हूँ कि क्या करें, ये हमारा इंटरेस्ट हो रहा है। मैं ये बात समझता हूँ कि हमारी यूथ सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। आप में से जितने स्टूडेंट बैठे हुए किस किस को मोबाइल यूज करना आता है, जो अपने मोबाइल यूज करते हाथ खड़ा करके लिख करेगा, सबको मोबाइल यूज करना आता है। अब मैं सिर्फ एक स्टूडेंट में बुलाऊंगा उसके सक्सेस होने से बात बताऊंगा, मैं सिर्फ ये कंफर्म करूंगा कि आप उससे बड़े या छोटे। बेटा रिजवान रिजवान, मैं बेस से शुरू करूंगा कि हमने क्यों पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं। आपका नाम क्या बेटा? और इज्जत आपकी एज कितनी है? आपको तो यार 12 साल से छोटा बच्चा बैठा है, सब 12 साल से बड़े मैडम। आपकी आपको कौन सी टेक्नोलॉजी आती है? वेब डेवलपमेंट में क्या पढ़ रहे हो? जैसे मुजफ्फर भाई ने बताया हर कैटेगरी के पढ़ने के इंस्टीट्यूट है जहाँ पेरेंट्स 1,000 रुपये लेके पढ़ाते हैं। 9th मैट्रिक के बच्चे भी बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, GW बेसिक सी प्लस वगैरह, ये सब कुछ खत्म हो, इसकी कोई मार्केट डिमांड नहीं है। टेक्निकल टीचर मेरे यहाँ पर आके बताएंगे आपको, और मगर इसकी कुछ भी डिमांड नहीं है, कोई सिंगल डिमांड भी नहीं है। इसकी बेस के ऊपर आपको बोले ना कि आपको 1,000 रुपये की जॉब देगा, कोई फायदा नहीं। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट तो एक ही कॉल है जो मेरे चेयरमैन हजरत रशीद फारूकी साहब की तस्वीर लगी है पीछे, इनका एक ही कॉल है कि हमने सरजमीन पाकिस्तान पे जो $100 बिलियन का कर्जा है वो उतारना है। एक बात करते थे और वो कैसे उतारना है, हमने पाकिस्तान में आईटी एंटरप्रेन्योर बना, आईटी मुलाजमीन की बात नहीं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं जो खुद अपना कारोबार कर रहे हैं, ये बनाना। अब कुछ सोचे कि यार ये तो मौलाना साहब हैं, इनसे दुआ करवा ली जाए, और ये क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ तरक्की करके आगे लेके जा सकता है पाकिस्तान को, वो बाई तरीके का आई टी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर में एक साल के अंदर 75,000 बच्चे पढ़ते हैं, 75,000 स्टूडेंट्स एक साल में पढ़ते हैं। मैंने जो आपको बात बताई 20 फरवरी की, आप अपनी सोचें कि
25,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, आपको वीडियो में सेलिब्रिटी दिखाएगी, वो पूरा स्टेडियम फिल था भाई, तकरीबन 2,500 बच्चे थे मुजफ्फर में, वहाँ पे आए हुए थे ब्रिगेडियर शब्बीर साहब आए हुए थे, उधर लिखी साहब शहर में नहीं थे, तो और लोग भी पूरा स्टेडियम फिल था, तो बच्चों की वॉइस थी कि काश हमें सैलानी के कोर्स में एडमिशन मिल जाए, उनकी ये ख्वाहिश थी, उनकी ख्वाहिश क्यों थी, क्योंकि उनको ये बात पता थी एक सैलानी वेलफेयर की बात करता है, जो सैलानी वेलफेयर का कोर्स पढ़ेगा 8 महीने से एक साल कोर्स है, उसको गारंटेड, ये कोई आई टी इंस्टीट्यूट नहीं बोलता, ये कोई कॉलेज नहीं बोलता, ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं बोलती, मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट किसी भी एक ग्रुप का है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी शहर से है, वो हमारा आई टी कोर्स मुकम्मल करे, सैलानी के तमाम एग्जाम पूरे सक्सेसफुली पास करे, उसको मैं गारंटी कर सकता हूँ एज ए सी ई ओ ऑफ सैलानी, देखो मार्टी थी मार्टी तो 50,000 जॉब कह रहे थे, मैं अभी आपको बहुत सारे ऐसे, मैं आपको बहुत सारे ऐसे लड़कों से मिलवाऊंगा जो हर महीने 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे, हर महीने 1.5-2 लाख रुपए, तो ये हवाई बात नहीं करा, जिन भी बच्चों को बुलाऊंगा उनसे आपकी क्वालिफिकेशन पूछिएगा, उनसे उनकी क्वालिफिकेशन पूछिएगा कि उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है। ये काम सैलानी वेलफेयर पिछले 8-10 साल से कर रहे हैं, जितने स्टूडेंट बैठे हुए आप में से कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत खड़ा करें, कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, कितने सारे लोग हैं जो फोर्सेस बनना चाह रहे हैं, रेंजर आर्मी डिपार्टमेंट बनना चाह रहे हैं, कितने लोग हैं जो आईटी बनना चाह रहे हैं करियर बनाने के लिए, ऑलमोस्ट 10 लोग या 12 लोग। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स फोर्सेस आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, मैं यहाँ पर फोर्सेस में बैठे हैं, मगर ये तमाम लोगों की जॉब कम होती जाएगी क्योंकि हर जगह रिपोर्ट आते जाएंगे, ऐसे ही है सर जी, बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब तो मैं आपको क्लियर हो जाऊँगा, अब रिपोर्ट आते जाएंगे, मशीन आती जाएंगी, आ चुके हैं ड्रोन आ चुके हैं, तो अब आप सोचेंगे तो जॉब तो कम होती जाएगी, तो फिर आपको जॉब हासिल करने के लिए मामू की चचा की ताया की सोच चाहिए होगी। मैं दोबारा कहता हूँ सैलानी के 8 महीने कोर्स के बाद या साल के कोर्स के बाद बिटवीन 1 साल का कोर्स है, उसके बाद ना मामू की सोच ना चचा की सोच ना ताया की सोच किसी के लिए चाहिए होगी। आप कोर्स पूरा करने से पहले कम से कम 1 महीना पहले आपकी जॉब प्लेसमेंट हो चुकी होगी, आपको पता होगा कि आप कितने पैसे कमाने जा रहे हो। मेरे बड़े फेवरेट स्टूडेंट नहीं, अब तो स्टूडेंट नहीं है, अयान अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम अयान मराज है, ट्रेनिंग भी कराएगा इस वक्त, टॉप ट्रेनर अहमदाबाद आ रहा है, इसकी प्रोफाइल
खोल पाए, मैं आपको उसकी प्रोफाइल होकर दिखाऊँ, आपको बड़ी नहीं खोल पाए, हम पापा यार उनकी प्रोफाइल खोल रही थी। अच्छा, मुझे आप बताएं, आपकी फैमिली का प्रोफेशनल जॉब बिजनेस क्या है? ये बिजनेस मैन है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है, पाकिस्तान का बिजनेस है। सलानी के आईटी कोर्स से पहले हर महीने कितने पैसे कमाते हो? महीने के 3-4 हज़ार। अच्छा, एक सवाल पूछ रहा हूँ, बड़ा सीरियस सवाल है, उस वक्त पूरी फैमिली की इनकम कितनी होगी, पूरे घर वालों की, आप मिला रहे हो, अबू काम कर रहे हैं और लोग काम कर रहे हैं, पूरे घर की इनकम तकरीबन 17,000 या 18,000। अब ये बात मुझे समझ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, हम हैं तो वेलफेयर ना, हमारे अंदर तो वेलफेयर है कि वेलफेयर करने से नहीं हो। पूरे घर की आमदनी कितनी थी? 18,000। किस साल पढ़ना शुरू किया था आपने? 2019 के 18 में। और कब कंप्लीट हुआ कोर्स? 1 साल के अंदर, इससे पहले 6 महीने में मेरी जॉब लग गई। पहली जॉब कितनी लगी थी 6 महीने बाद? पहली जॉब मेरी जो थी वो 16,000। 16,000। आज कितनी जॉब कर रहे हो? 2 जॉब। 2 जॉब। यहाँ तो एफबीआर वाले लोग नहीं बैठे थे, बता ना कितने पैसे कमाते हो महीने के? नोटिफिकेशन आया हुआ ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस। 2 लाख प्लस पैसे जब आपको ग्राउंड पर सुना क्या रहा है? टाइम घड़ी रखा है माशाल्लाह तो उन्होंने। अच्छा, आयान में जो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपकी स्पीच का टाइम होगा, आप मैं थोड़ा सा टाइम मजीद दूंगा क्योंकि मेरी कुछ बातें मैं समझाना चाहता हूँ, खासतौर पर पेरेंट्स के लिए। इस मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ पेरेंट्स के लिए, ऐसे बहुत सारे अयाल मुराद जो बैठे हुए नजर आ रहे हैं, मैं यहाँ हमारी बहन बेटी भी बोला हूँ, यहाँ बहुत सारे ऐसे अयाल मुराद नजर आ रहे हैं, मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि ये ना कोई पार्ट टाइम कोर्स नहीं कराने जा रहे, अगर हम बाहर करा रहे होते हैं तो 25-25 हज़ार बच्चों पे अप्लाई करते हैं हमें कि काश हमें सर्टिफिकेट मिल जाए। ये इस मेजर जनरल इफ्तिखार चौधरी साहब का शुक्रगुजार है हम लोग कि उन्होंने हमें कहा कि आप ये काम करना मिले और उसको ब्रिगेड जनता में लैंड कर दिया। बहुत सारे लोगों ने सोचा और भी लोगों ने सोचा कि अगर ब्रिगेड जनता आपके लिए ये चीज़ आपके घर में पहुँचा दी तो हमसे ना लोग तो एहसान इतना एहसान उनको याद रखना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए। तो मैं अपने पेरेंट्स बैठे उनको बोल रहा हूँ ये कोर्स कोई टेम्परेरी नहीं है यार, वो बैटरी के नंबर अच्छे आने चाहिए। अच्छा, हमारी और प्रिंसिपल यहाँ बैठे उनके मेरे सहन में था कि यार मेरा टारगेट था कि मेरे बच्चे के स्टूडेंट्स के नंबर बहुत अच्छे आए मैट्रिक में, बैठे वो आएंगे सबके नंबर अच्छे आएंगे, मगर क्या इंटर करके मैट्रिक में जॉब कर जाएगा? मुझे पाकिस्तान की जो 4 CR करनी आईटी, बस ये आईटी सोल्जर जो हमारे लिए, और हमने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इतना पॉलिश करना है 1 साल के अंदर, वो करते रहे अपने इंटर पूरा, वो करते रहे मैट्रिक पूरा, हफ्ते लोग आते कितनी क्लास जाते हो हफ्ते में थोड़े कितने घंटे पढ़ेंगे हफ्ते में लोगों से 3 घंटे, हर हफ्ते 3 घंटे पढ़ेंगे और ऑलमोस्ट कुछ घंटे घर आके लगाएंगे, मगर आप लोग ये सोचें कि हम उनको कैरियर दे रहे। मैं यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग की बातें करने नहीं बैठा, मुझे तो खुद इतनी बातें करनी नहीं आती, मगर मैं ये समझाने के लिए जरूर बैठा हूँ पेरेंट्स को कि मैं ये समझता हूँ कि ये जॉब सबसे ज़्यादा बेहतर है, ये काम सबसे बेहतर है। आखिरी भी स्टूडेंट जो लूँगा मेरी बहनें और मेरी बेटियाँ, अच्छा मैं ये चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश मेरे भी तो बच्चे छोटे थे, मगर मैं ये चाहता कि यार मेरी जो बेटी है ना वो कभी ऐसी जॉब पर इसके बाहर बार बार निकलना पड़े। अच्छा, मैं अपनी बीवी को भी नहीं चाहता कि वो जॉब पाए, हर अपनी सोच होगी ना, मैं अपनी सोच शेयर कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, मगर अपनी जो दौर आ रहा है ना दोनों को कमाना बहुत जरूरी है, बच्चों की अच्छी अपनी की दोनों को कमाना बहुत जरूरी है। ये प्रोफेशन सबसे बेस्ट है खवातीन के लिए, क्यों? क्योंकि लोग घर में कमा रहे हैं, अयान मुराद को या मेरी जो बहन बनी इनको मैं बाहर जाना नहीं पड़ता, फ्री डांसिंग है,
अच्छा यार फ्री रनिंग कैसे करेंगे, इसकी सबसे तो फ्री रनिंग जॉब है। अगर पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर हाउस आपको जॉब देगा तो शायद को जॉब देगा 100, 200, 500, 2000। फ्री रनिंग में अनलिमिटेड जॉब है। मेरी बेटी मेरी बहन घर बैठेगी और कमा रही होगी, 6 घंटे लगाएगी, 8 घंटे लगाएगी, पैसे कमा लेगी। अच्छा ऐसी कोई एक दो बहुत दिन की बात नहीं। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको कमिटमेंट दिखा देता हूँ, मैं चाहूँ घंटा शेयर कर देता हूँ। ऐसे 5000 बच्चे सैलानी के पास आउट हैं, पास आउट 10-12 हज़ार बच्चे, मगर ऐसे 5000 बच्चे हमारे पास आउट हैं जो हर महीने कम अज कम $1,000 कमाते हैं। आप $1,000 से 2 लाख रुपये कराता है, ऐसे 5000 बच्चे तो हैं। और जो बच्चे 60, 70, 80 हज़ार रुपये कमा रहे हैं वो तो बहुत सारे हैं। सिर्फ आखिरी बात कहूँगा, अयान से जो पूछना बन गया था, बाकी भी बैठे हुए अमीन बैठे हुए मसूर बैठे हुए, क्या इस कोर्स के लिए अंग्रेजी आना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल अंग्रेजी आना ज़रूरी नहीं। अयान अंग्रेजी आना ज़रूरी है? तो क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है डेडिकेशन। ये जितने पिक्चर जहाँ बैठे हैं ना, इंतमाम भाई बैठे हुए, कमाल भाई बैठे हुए, हम इनको कई कई हज़ार रुपये दे रहे थे 1 घंटे पढ़ा। ये इतने आसान ही नहीं आ रहे, क्योंकि ये उसी 1 घंटे में बाहर पे अच्छे खास डॉलर्स कमा सकते हैं, मगर इनके अंदर जज्बा है कि नहीं यार हमें पाकिस्तान को पढ़ा रहे हैं। बता भी हमने सराणी से पढ़े ना, हमें भी आगे पढ़ा रहे हैं। रिजवान जमाल है, रिजवान जमाल बैठे हैं। रिजवान भी आपको सौ करोड़ के नाम भी क्या है, अभी स्पीच पैनल में बताएंगे भी। और सब कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं? 5 लोग। 5 लोग के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं अभी आपके साथ मुसलमान भाई कि खुद अपने अंडर जॉब कर लोगे आप। इसी तरह इंतमाम भाई आके बताएंगे कि इंतमाम भाई का कैरियर सैलानी में कब शुरू हुआ था और आज कितने मुल्क घूम चुके हैं। घूमने का बहुत शौक है, तो ये मुल्क बहुत सारे घूम चुके हैं माशाल्लाह। आखिरी बात ये कहूँगा, 1 साल अपने पास आज जब घर जाए ना, अपने किसी भी डायरी में आज की डेट लिख दीजिएगा 1 साल। 1 साल के बाद हम तुम्हारे दिन खड़े होंगे, हम तुम्हारा बात करेंगे। और मैं मुझे ये यकीन है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1000 रुपये कमाओगे, 1,00,000 रुपये कमाओगे, मगर चाहे पेरेंट्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, वो ये ज़रूर कह रहे होंगे यार हमारे मजीद बच्चों को पढ़ा दें, हमारे मजीद रिश्तेदारों को पढ़ा दें, क्योंकि हमें नज़र आ गया कि हमारा बच्चा कहाँ डेवलप कर रहा है। इंशाल्लाह मिलके पढ़ेंगे, मिलके करेंगे, मुझे बहुत मजबूत आनी चाहिए। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले मैं रिक्वेस्ट करूँ, हमारे स्टूडेंट जब आते रहेंगे, हमारे टीचर आते रहेंगे, और शॉर्ट टाइम बताएंगे कि वो क्या रहे, क्या कर रहे हैं। और इंशाल्लाह सिर्फ 1 साल 12 महीने गुजरते हुए नहीं पता चलता, ये जब कोर्सें पढ़ाना शुरू करेंगे आपको टाइम पर ज़्यादा नहीं होगा, मगर इंशाल्लाह हम लोग, मेरा भाई भी रुक गया कि बहुत वो बोल गया हमने, मगर इंशाल्लाह हम एक ही टॉपिक के लिए चल रहे हैं कि हमने सरजमीन पाकिस्तान को दुनिया का बेस्ट आईटी डेवलपमेंट हम बना रहे। जब पड़ोसी कुछ कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं? आज पड़ोसी कुछ 150 करोड़ कमा रहे हैं, उनके पास सुखा के बाद उनके पास तो अलग से सी है, हमारे पास तो दीन की ताकत है ना, हमारे पास तो पाकिस्तान में की ताकत है, पाकिस्तान तो ऐसी एनर्जी बहुत है, पाकिस्तान तो ऐसी टैलेंट बहुत है, हमारे तो हमें मोहब्बत बहुत है पहुंचे, तो हम तो 150 करोड़ तो छोटी सी बात है। इंशाल्लाह 5-6 साल की बात है, जिस स्पीड से हमारी कोर्सेज ने हमारा हाथ पकड़ा है, इंशाल्लाह बहुत तेजी से आईटी सोल्यूशन तैयार करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर हैविंग।